शेफ मोहम्मद खालिद, शेफ खालिद किचन में फ्रेंड्स मैं आपको वेलकम कहता हूँ। हमने बिरयानी तो बहुत से टाइप की बनाई है, लेकिन आज हम बिरयानी बनाएंगे कच्चे गोश्त की बिरयानी मेरे स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए ये तकरीबन 1.5 किलो हड्डी वाला बछिया का गोश्त है। इसी तकरीबन देखिए 1.5 किलो है, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब इसमें हम तमाम मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, 2 टेबल स्पून भर के जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये पपीते का पेस्ट जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। अगर आपके पास पपीते का पेस्ट मौजूद नहीं है तो आप इसमें कचरी पाउडर या गोश्त गलाने का पाउडर भी डाल सकते हैं। पिसा हुआ जीरा जाएगा 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून, और लाल मिर्च जाएगी, मैं 10 में डाल रहा हूँ, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाल रहा हूँ क्योंकि ज़रा इसमें थोड़ा टेस्ट अच्छा है, और हल्दी जाएगी 1 टीस्पून। अच्छा मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसको ओवरनाइट मैरिनेट करना है तो आप पपीते को स्किप कर दें, या जो गलाने का पाउडर डालेंगे उसको भी स्किप कर दें, लेकिन इसको क्योंकि मुझे जल्दी बनानी है तो इसको तकरीबन इसे मैं 3 से 4 घंटे मैरिनेट करके रखूँगा, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है इसे बाहर रखूँगा, अगर गर्मियों का सीज़न होता तो फ्रिज में रख देता। और ये दही जाएगा, मतलब फ्रेश दही था तकरीबन, ये 1 पाव 1 कप जाएगा। अब मैंने हाथों को अच्छी तरह पहले से वॉश करके रखा है क्योंकि हाजी मेरी पहली प्रायोरिटी होती है। इसको मैं हाथों से अच्छी तरह मिक्स करूँगा, अच्छी तरह मिलाना है। अच्छा ये नमक जो सॉल्ट होता है ये आपके टेस्ट पर है। देखिए गोश्त को मैंने अच्छी तरह इसको मैरिनेट कर दिए, इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेशन पे रखूँगा। इसको 3 से 4 घंटे बाद मैं आपसे मिलता हूँ, फिर बताता हूँ क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए हमने गोश्त को मैरिनेशन के रखा था, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। देखिए गोश्त तो माशाल्लाह से अच्छी तरह मैरिनेट हो गया। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के जाएगा गरम मसाला, ये मेरा घर का पिसा हुआ है। इसके अलावा लेमन जूस जाएगा तकरीबन 3 टेबल स्पून, और ये है आलू बुखारे, इनको मैंने पानी में सोख करने के लिए रख दिया था, तकरीबन 8 से 9 हैं ये पानी के साथ इसमें ऐड कर दूंगा। और ये हरी मिर्चें हैं, ये आपके टेस्ट पर होती हैं, लेकिन मैं इसमें 3 टेबल स्पून भर के कूट के डाल रहा हूँ इसमें। ये प्याज को मैंने लाल कर लिया था, ये भी तकरीबन जाएगी 1/2 कप जाएगी ये। इसके अलावा ये हरा धनिया और पुदीना जाएगा, ये तकरीबन 1-1 गड्डी थी तो मैं आधे आधे भी डाल रहा हूँ, और बाकी मैं जब चावलों पे डालूँगा ना फिर सब डालूँगा मैं। अब इसे इन सबको अच्छी तरह मैरिनेट कर लेंगे अपने हाथों की मदद से, हाथों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। इतना भी लाएंगे कि अच्छी तरह यकजान हो जाए सारे मसाले। देखिए तमाम मैंने इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब मैंने तकरीबन 1.5 किलो चावल लिए बासमती, इनको पानी में अच्छी तरह मैंने धो दिया, इनको मैं बॉईल करूँगा। हाँ दोस्तों, देखिए मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया था, ये तकरीबन 1 दक्षी पानी में आपको आधे से ज़्यादा पानी भर के लेना है। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया, पुदीना, 2 हरी मिर्चें पड़ी और लेमन के स्लाइस पीसेस डाले थे। इसके अलावा इसमें मैं नमक 5-6 टेबल स्पून डाला है। इसके अलावा इसमें जाएगी दालचीनी 2 स्टिक जाएगी, 2 बड़ी इलायची और 5-6 लौंगें जाएंगी। इसको देखिए इसमें जैसे ही जोश आ जाएगा ना मैं फिर आपको बता दूँ, इसको इतना पकाना है कि चावल से फेंक कर नहीं रखना है हमको। सॉरी फ्रेंड्स, इसको मैंने गलत बोल दिया आपको, इसको जो पकाना है ना सिर्फ तकरीबन 1 मिनट पकाना है, कि इसमें सिर्फ जैसे एक करनी आ जाए उसे छोड़ दें फौरन, ठीक है। बिस्मिल्लाह। हाँ दोस्तों, देखिए चावल को सिर्फ मैंने 10% कुक किए, बिल्कुल ये देखिए चावल उबलने लगे, अब मैं इसको फौरन इसको ड्रेन कर दूंगा, फिर मैं आपको बता दूँ क्या करना है।
बिस्मिल्लाह। हाँ दोस्तों देखिए माशाल्लाह इसको मैं देख भी बना रहा हूँ, क्योंकि देख की चीज़ें ना अच्छी खासी मोटाई है, इसमें मैं दम दूंगा ना इसे अच्छा सा पक जाएगा। इसमें तकरीबन मैंने एक कप ऑयल डाला है, अगर आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर होते हैं। और ये जो हमने मैरिनेट किया हुआ जो गोश्त ऐड करेंगे इस स्टेज पर जाके करेंगे, और इस पर इस वक्त नमक चेक कर लेंगे, अगर नमक 19-20 हो तो उसमें ऐड कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाह। अच्छा इसको पकाना नहीं है, बता दूँ आपको, इसको बिल्कुल नहीं पकाना है, इसको फ़ौरन दम पे देना है, क्योंकि बस चूल्हे को मैं एकदम स्लो कर दिया मैंने। ये जो आवाज़ आ रही है तेल गर्म हो गया उसकी आवाज़ आ रही है ये। हाँ दोस्तों देखिए माशाल्लाह से इसको मैंने गोश्त को अच्छी तरह से सेट कर दिया, और ज़बरदस्त क्या लुक आ रहा है अभी से, इतनी खुशबू आ रही है, जब इंशाल्लाह पकेगा तो क्या बात होगी। हाँ दोस्तों अब इसमें मैं चावल ऐड करूँगा। बिस्मिल्लाह। और देखिए चावलों को मैंने अच्छी तरह फैला दिया है, अब इस पर मैंने धनिया पुदीना जो है इसके ऊपर ऐड करूँगा। हाँ दोस्तों देखें तकरीबन इसमें एक गिलास दूध जाएगा, इसके अंदर मैंने जर्दे का ऐड कर दिए, और इसी को मैं आहिस्ता आहिस्ता इसी पे चारों तरफ फैला दूँगा। देखिए जो मैंने प्याज को जो फ्राई करके रखा था इस पर तमाम चारों तरफ फैला दूँगा मैं, ज़बरदस्त माशाल्लाह से अभी से बड़ा अच्छा लुक आ रहा है इंशाल्लाह रहमान। आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा, बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे मैंने बनाई है, और पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों उसको मैंने एलुमिनियम फॉइल से अच्छी तरह चारों तरफ से कवर कर दिया है, ये देखें, अगर एलुमिनियम फॉइल ना हो तो जो कपड़ा होता है उसको लगा दें, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह। चलिए दोस्तों चेक करते हैं बिरयानी को। बिस्मिल्लाह ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखिए इस स्टीम इस कदर है कि माशाल्लाह ज़बरदस्त बिरयानी बिल्कुल तकरीबन माशाल्लाह रेडी है, माशाल्लाह से बिरयानी बिल्कुल रेडी है। देखिए ज़बरदस्त क्या परफेक्ट राइस बने, ज़बरदस्त। इसको साइडों से भी इसे चलाते, चलिए मैं आपको उसकी प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ, डिशॉप करके दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों देखें माशाल्लाह से कच्चे गोश्त की बिरयानी रेडी है, कैसी लगी आज की रेसिपी, मुझे पसंद आया मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, फिर मानिला।